आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में हुई एक और मौत। मॉडल शॉप के कर्मचारी की मनभड़ों ने पीट पीट कर की हत्या। एक हुआ गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुटी। एसपी सिटी ने कहा जल्द होगा घटना का खुलासा। व्यापारी मनीष गुप्ता के परिजनों से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मृतक मनीष की पत्नी मीनाक्षी को दिया कानपुर विकास प्राधिकरण में ओएसटी की सरकारी नौकरी। दी आर्थिक मदद तथा बच्चे के पूरी पढ़ाई के लिए जिम्मेदारी। पत्नी मीनाक्षी ने सीएम योगी के प्रति जताया आभार। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। व्यापारी मनीष गुप्ता की हुई मौत के घटना स्थल का एडीजी जोन सहित अन्य अधिकारियों ने किया मौका मुआयना। कहा सीसीटीवी के साक्ष्य सहित गवाहों से की जाएगी पूछताछ। आरोप पुलिस पर है, इसलिए निष्पक्षता और पारदर्शिता से की जा रही है जांच। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई प्रधानमंत्री के संभावित आगमन की तैयारी संबंधित बैठक। कार्यों को समय से पूरा करने के दिए निर्देश। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दो मंडलों के एसडीएम और एआरओ को दिया गया निर्वाचन संबंधित प्रशिक्षण। दी गई निर्वाचन संबंधित कार्यों की जानकारी। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई ग्राम प्रधानों की बैठक। शासन की योजनाओं का लाभ गांवों में ही कैंप लगाकर देने के दिए निर्देश। कहा चौपाल लगाकर सुनी जाएगी ग्रामीणों की समस्याएं, होगा तत्काल निदान। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई परफॉर्मेंस ग्रांच समिति की बैठक। परफॉर्मेंस ग्रांच के तहत गांव में किए जा रहे कार्यों की गई समीक्षा। तेजी लाने के दिए निर्देश। ओडीओपी में शामिल होने के बाद रेडीमेड गारमेंट्स का बढ़ा दायरा। अब गोरखपुर भी रेडीमेड गारमेंट्स के उत्पादन का बनेगा हब। लोगों को भारी तादाद में उपलब्ध होगा रोजगार। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला उद्योग बंधुओं की मासिक समीक्षा बैठक। गीडा और औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के दिए निर्देश। कहा दीर्घकालीन योजना के तहत तैयार किया जाए गोरखपुर का बिजनेस डेवलपमेंट प्लान। गांधी जयंती के दिन सभी गांवों में होगा खुली बैठक का आयोजन। डीपीआरओ ने कहा प्रधानमंत्री करेंगे ग्राम प्रधानों को वर्चुअल संबोधित। चुने प्रधानों से कर सकते हैं संवाद। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुजफ्फरपुर से जनपद में पहुंचा वीवीपैट मशीन। एडीएम फाइनेंस ने कहा वीवीपैट के बाद 3 से 4 दिनों के अंदर पहुंचेगा ईवीएम मशीन। गुरुवार को जिला अस्पताल से जनपद में कुल 95 केंद्रों पर 25,936 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। फर्स्ट डोज लेने वालों में 16,279 और सेकेंड डोज लेने वालों में 9,657 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा अवश्य लगवाएं टीका जीत का। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई भाजपा क्षेत्रीय चुनाव समिति की बैठक। 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अधिक से अधिक मतदाता बनाने के दिए निर्देश। कहा प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री योगी के बेहतर व जनहित योजनाओं के दम पर दोबारा प्रदेश में बनेगी भाजपा सरकार। गुरुवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लगातार खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी है जारी। होटल बबीना को जारी किया नोटिस। सर्वे सैंपल लेकर भेजा जांच हेतु प्रयोगशाला। गोरखपुर में गुरुवार को नहीं मिला कोई नया कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,417। अब तक 849 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 12 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के एक होटल में पुलिस की पिटाई से हुई मौत को लेकर महानगर कांग्रेस कमेटी सहित अन्य संगठनों ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग। और चौरी चौरा शताब्दी समारोह एवं आजादी का अमृत महोत्सव के तहत गुरुवार को राजकीय बौद्ध संग्रहालय में आयोजित हुआ चित्रकला प्रतियोगिता। विजयी प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर किया गया पुरस्कृत।